नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रकाश मनु की पुस्तक देवेंद्र सत्यार्थी रचना संचयन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। देवेंद्र सत्यार्थी लोक यायावर थे और उनका जो काम था वह अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है और भारतीय साहित्य जगत में जो उनकी उपस्थिति है वह इतना महत्वपूर्ण है कि इस काम को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में समझा जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने अपने पैरों से समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को न केवल नाप दिया बल्कि गांव-गांव जाकर महिलाओं, लड़कियों, किसानों, मजदूरों, कामगारों के बीच जो लोकगीत थे उनको एकत्र किया और उनका एक विस्तार रूप सृजित किया। कम से कम लाखों लोकगीत या लोक कथाएं, लोक भाव, लोकोक्तियां देवेंद्र सत्यार्थी के जीवन में उतरी जिनसे वो रूबरू हुए, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग परिवेश की, यहाँ तक कि जो भाषाएं उनको समझ में नहीं आती थी उनको भी वे एकत्रित करते चले जा रहे थे। और उनके काम के महत्व को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की मौजूदगी में जब देवेंद्र सत्यार्थी ने एक लोकगीत सुनाया तो गांधी की प्रतिक्रिया थी कि तराजू के एक पलड़े पर सत्यार्थी के इस लोकगीत को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर मेरे और नेहरू के सभी भाषणों को रख दिया जाए तब भी सत्यार्थी के इस लोकगीत का पलड़ा भारी होगा। वह गीत था रब मोया देवते भज गए राज फिरंगिया दा। आप समझ सकते हैं कि 19 वर्ष की उम्र में देवेंद्र सत्यार्थी ने भारतीय लोकमानस और जनजीवन को देखने की जो यात्रा शुरू की थी वह जीवन पर्यंत चलती रही। इस यात्रा में वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें इसके लिए उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी। क्यों? क्योंकि जो लोकगीत है वह अमूमन हमारे भारतीय समाज की महिलाओं के कंठ पर ही विराजते रहे। किसानों के बीच तो बहुत आसानी से देवेंद्र सत्यार्थी जी को किसानों, कामगारों, मजदूरों और गमई लोगों की लोक गीत मिल जाते थे, लेकिन जिन गीतों को वह महिलाओं के मुंह से सुनना चाहते थे उस समय उनके सामने कई तरह की विसंगतियां हो जाती थी। दाढ़ी बढ़ने पर लोग समझते थे कि ये साधु व्यक्ति है, इसके सामने महिलाएं आ सकती हैं और गीत सुना सकती हैं। इस तरह के तमाम सत्यार्थी जी के जीवन के जितने भी किस्से हैं और लोक साहित्य में उन्होंने जो सर्जा है वह बहुत ही मेहनत से प्रकाश मनु ने, जो कि एक तरह से सत्यार्थी जी को अपना गुरु भी मानते रहे हैं, इस पुस्तक के अंदर संकलित किया है। जो लोक निबंध शामिल हैं इस संचयन के अंदर, देवेंद्र सत्यार्थी रचना संचयन के अंदर, मैं बता दूं जो रचनाएं हैं उनमें लोक निबंध में धरती गाती है, बेला फूले आधी रात, माँ लोरी सुना, धीरे बहो गंगा, गाए जा हिंदुस्तान और लोक नृत्य के पृष्ठभूमि है। जो कहानियाँ इसके अंदर संकलित हैं सत्यार्थी जी की उनमें जन्मभूमि, कुंभपोष, कब्रों के बीचों बीच, नए देवता, इकन्नी, रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूधगाज। इसके अलावा कविताएं जो सत्यार्थी जी ने खुद लिखी हैं, ब्याह के ढोल, साल, रेशम के कीड़े, हिंदुस्तान, एशिया, क्रांति, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, बंदनवार, प्रेसी, नर्तकी, संथाल कुलबधू, गुलमुहर के फूल, गेहूं की बालियां, जो संस्मरण संकलित हैं कितने महत्वपूर्ण लोगों और महान लोगों के साथ देवेंद्र सत्यार्थी जी का तादात्म्य था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर,
एक युग एक प्रतीक, यात्रा का अंत, एक लेखक की श्रद्धांजलि, पाब्लो नेरुदा से भेंट, महाश्वेता देवी और मुल्कराज आनंद, ये संस्मरण हैं उनके। रेखाचित्र जो गोदावरी का और मणिपुर का उन्होंने खींचा है, यात्रा वृतांत, प्रणाम लाहौर और आत्मकथा के जो कुछ हिस्से हैं वो आग के फूल, धतूरे के फूल, ओ सूरज मूरज, सुरजी जैसा सूरज, मैं हूँ खाना बदोश, बड़े साहब का सलाम और जंगल जंगल, ये इस रचना संकलन में शामिल हैं। कुछ चीज़ें हैं जो भूमिका में 45 पृष्ठों की भूमिका डॉक्टर प्रकाश मनु ने लिखी है और उस भूमिका में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो साहित्य का जो बितान है सत्यार्थी जी का, वह किसी एक पुस्तक में समाहित नहीं हो सकता। कई दशकों का उनका जो जीवन काल है, जो उन्होंने इस धरती को नापा, भारत भूमि को नापा, भारतीय उपमहाद्वीप को नापा, लोक जीवन को देखा, वहाँ की प्रकृति को देखा, वहाँ के समाज को देखा, परंपराओं को देखा, खान पान को देखा, भाषाओं को देखा, बोलियों को देखा, उनको समझा और उनको जो सर्जा, और उनके इस काम को रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर राजगोपालाचारी से लेकर जितने भी महानतम लोग उस समय उनके जीवन काल में इस धरती पर थे, सभी ने न केवल सराहा। पाब्लो नेरुदा का भी जो संस्मरण है उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की समुन्नत भाषा, किस तरह की जीवन दृष्टि और साहित्य के प्रति किस तरह का लगाव, समर्पण और दीवानगी थी। साहिर लुधियानवी से लेकर, अमृता प्रीतम से लेकर, जो भी उस दौर के जोश मलिहाबादी से लेकर कोई भी ऐसा उर्दू, हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु का साहित्यकार नहीं था जो लोक यायावर देवेंद्र सत्यार्थी के काम से वाकिफ ना रहा। बावजूद उसके कुछ चीज़ें जैसे उनकी आत्मकथा चांद सूरज के बीरन का जो दूसरा खंड है नील यक्षड़ी, ये दोनों इस पुस्तक में शामिल नहीं किए जा सके हैं, क्योंकि अगर वे होते तो बहुत सारी चीज़ें, ये पुस्तक एक तो मोटी हो जाती, संभव नहीं था इसको एक जगह रखना। इसी तरह से उनके जो उपन्यास हैं वो उपन्यास भी इसके अंदर शामिल नहीं हो सके हैं। हालांकि भूमिका में बहुत संक्षेप में प्रकाश मनु जी ने इस बात का उल्लेख कर दिया है कि जो सत्यार्थी जी के उपन्यासों में लोक संस्कृत का, जिनको महाआख्यान कह सकते हैं, उनको उनके नाम क्या थे, उन की विषय वस्तु क्या थी, रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज और वेदा दीप दान जैसे जो उपन्यास थे, वे अगर पुनः प्रकाशित हो सकें या वो मिल सकें तो भारतीय साहित्य जगत निश्चित रूप से इनसे काफ़ी लाभान्वित होगा। बावजूद उसके एक महत्वपूर्ण काम जो है वह प्रकाश मनु ने कर रखा है। सत्यार्थी जी ने गांधी जी के मृत्यु पर एक लेखक की श्रद्धांजलि जो लिखा है कि उस समय चिर निद्रा में जब बापू सोए तो किस तरह से महसूस हुआ, प्रेमचंद का जो एक चित्र है, प्रेमचंद से जब उनके बारे में सत्यार्थी जी क्या सोचते थे। गांधी जी पर यात्राकांत, ये भी एक संस्मरण है जो उन्होंने लिखा है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक धरोहर और दस्तावेज के रूप में हर साहित्य प्रेमी के घर में होनी चाहिए। लोक संस्कृति, लोक जीवन, लोक राग, लोक गीत को आप सत्यार्थी जी के रचना संचयन के बहाने देख और समझ सकते हैं, अपने भारत को समझ सकते हैं, यहाँ के जीवन को समझ सकते हैं, यहाँ के व्यक्तियों को समझ सकते हैं। इस पुस्तक को साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है। साहित्य अकादमी इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि उसने इस महत्वपूर्ण काम को किया। डॉक्टर प्रकाश मनु को भी आभार दिया जा सकता है कि वो अपने युग पुरुष सरीखे साहित्यकार को उन्होंने यह श्रद्धांजलि दी है। इस पुस्तक में 404 पृष्ठ हैं, मूल्य केवल 400 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। हमारी एक कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें।
ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।